मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा टीवी की दुनिया के उन सेलेब्स में से एक है जिन्हें परिचय की जरूरत नहीं। उन्होंने अपनी सूझबूझ और परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग से इंडस्ट्री में अपने लिए खास जगह बनाई है। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा और द कपिल शर्मा शो जैसे शोज देने के बाद फिरंगी अभिनेता एक घरेलू नाम बन गया। टीवी की दुनिया में नाम कमाने के बाद कपिल शर्मा अब डिजिटल दुनिया में आने के लिए तैयार है। जी हाँ, खबर है कि कपिल शर्मा जल्द ही एक वेब सीरीज के साथ OTT प्लेटफॉर्म पर अपनी शुरुआत करेंगे। हालांकि कपिल शर्मा के डिजिटल डेब्यू को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कृष्णा अभिषेक ने ये खुलासा किया है कि कपिल शर्मा इस प्रोजेक्ट के लिए बड़ी रकम वसूलने वाले हैं। जी हाँ, ये खुलासा द कपिल शर्मा शो के हालिया एपिसोड के दौरान हुआ। कृष्णा ने कहा कि कपिल शर्मा ने OTT प्लेटफॉर्म पर अपनी शुरुआत के लिए 20 करोड़ रुपए की भारी भरकम फीस चार्ज की है। जी हाँ, हालांकि कृष्णा ने कपिल की इस फीस का खूब मजाक उड़ाया। फैंस के बीच उनकी भारी लोकप्रियता को देखते हुए इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि कपिल ने डिजिटल प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ी रकम चार्ज ना की हो। इसी बीच द कपिल शर्मा शो ने नितिश भारद्वाज, गजेंद्र चौहान, पुनीत जैसे प्रतिष्ठित शो महाभारत के कलाकारों का स्वागत करने के बाद हाल ही में सुर्खियां बटोरी। इस एपिसोड के बाद गजेंद्र और मुकेश खन्ना के बीच शब्दों की कहासुनी सुनने को मिली थी। खबर है कि इस हफ्ते कपिल शर्मा के शो पर अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी अपनी फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब का प्रमोशन करने आ सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट लाइव की रिपोर्ट के साथ मैं हूं कनिष्का शर्मा।